आज बनाते हैं बहुत ही झटपट बनने वाली तुरई की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी आप सुबह की गड़बड़ी में टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो। यह बहुत जल्दी बन भी जाती है और स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो चलो इसकी रेसिपी देखते हैं। कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक तुरई साफ पानी से धोकर ली है। अब हम तुरई का छिलका निकाल देते हैं। इस तरह से तुरई के छिलके हमें निकाल देने हैं। आप इस छिलकों का ठेचा भी बना सकते हो। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हो। इसका ठेचा बहुत अच्छा बनता है। अब तुरई को कट करके लेते हैं, दोनों साइड से कट करके निकाल देते हैं। अब इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लेते हैं। उसके बाद इसके पतले पतले काप कर लेते हैं। इसी तरह सारी तुरई हमने कट करके ली है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल गरम करके लेते हैं। तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। राई जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। फिर डाल देते हैं करी पत्ते के पत्ते। हमने एक बड़े साइज का प्याज बारीक कट करके लिया है, उसे डाल देते हैं। प्याज को गुलाबी रंग आने तक तेल के ऊपर भून लेते हैं। प्याज हमारा गुलाबी रंग आने तक भून चुका है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। हमने 1 छोटा टमाटर कट करके लिया है, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। टमाटर भी हमारा भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला डाल देते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और सारे मसालों को अच्छे से तेल छूटने तक भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से तेल छूटने तक भून चुके हैं। अब हम इसमें कटी हुई तुरई डाल देते हैं। तुरई को भी मसाले में अच्छे से मिलाते हैं। और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। तुरई भी हमारी 2 मिनट भून चुकी है। हमने 2 चम्मच मूंग दाल को 10 मिनट पानी में भिगोकर रखा था, उसे डाल देते हैं। इसमें हम सिर्फ 4 चम्मच पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमने बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये नीचे ना लगे और मूंग दाल भी अच्छे से पक जाए। इसे अच्छे से मिलाते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है और इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट पकने देते हैं। आपकी कढ़ाई पतली हो तो इसे बीच बीच में 1-2 बार चला लेना ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे। 7 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटा देते हैं। तुरई भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब गैस को बंद कर देते हैं।
आप देख सकते हो कितनी अच्छी तुरई की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक डिश में निकाल देते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही झटपट बन जाती है, टिफ़िन के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। खाने के लिए तैयार है हमारी तुरई की सब्ज़ी। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।